सो फाइनली हे गाइस वेलकम एवरीबॉडी दिस आर मिशो बिगिनिंग विद अ न्यू वीडियो आफ्टर वन ईयर. सो एक्चुअली मैं आज एक साल बाद अपना वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ फॉर द पर्पस. एंड मैं अपना वीडियो क्यों बंद किया था वो मेरे को खुद को नहीं मालूम है मैं क्यों बंद किया था. मैं एक साल का बहुत बड़ा गैप ले लिया, चाहे कुछ इशू बोलो चाहे स्टडीज बोलो, हो सकता है बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं. बट मेरे को दो तीन लोग ने बोले कि ब्लॉग नहीं डाल रहा है, क्या हुआ है, एक साल से तेरे चैनल पे एक वीडियो नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों. तो मैं बोला नहीं, बस अभी अब कंटिन्यू करूँगा, मेरे बर्थडे के बाद कंटिन्यू करूँगा, ऐसा वैसा कैसा बोल के मतलब मैं थोड़ा टैकल कर लिया था हम लोगों. बट नाउ वन ऑफ माई फ्रेंड सेड दैट कि सागर अब तेरे को स्टार्ट कर देना चाहिए वीडियो, तो आज एक छोटा सा वीडियो अपना बना दे 1 या 2 मिनट्स 3 मिनट्स का कि दैट आई एम बैकिंग अगेन ऑन यूट्यूब विथ न्यू वीडियो. तो एक वीडियो इंट्रो वीडियो बना के डाल दे, बाद में तू लॉकडाउन के बाद भी कंटिन्यू करेगा नो प्रॉब्लम, बट एक स्मॉल वीडियो कि हाँ लोगों को लगना चाहिए कि हाँ अभी ये वीडियो बनाएगा. सो मैंने आज उसे बहुत बात किया अच्छे से, 1 आवर 2 आवर हम लोग दिए एक साथ बैठे बात किए. देन फिर मैं सडनली आया घर में, फ्रेश हुआ एंड आई केम अप टू शूट माई वीडियो. एंड नाउ इट्स टाइम 3:30 हो रहा है और मैं अपना वीडियो शूट कर रहा हूँ. लॉकडाउन है, घर में सब लोग हैं, तो इसलिए ऊपर आके शूट करना पड़ रहा है. और बाहर जा सकते हैं बट इस समय तो नहीं जा सकते, मेरे डैड तो बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे हैं. अलाउ कर रहे हैं इन द सेंस कि मैं घर से निकल के बाहर ग्राउंड तक जा रहा हूँ और कहीं भी मेरे को अलाउड नहीं कर रहे. तो मैं अभी बैठा था जस्ट मैं अपना पीसी चेक कर रहा था. मैं अपना ये पीसी चेक कर रहा था, देखो अपने सारे यूट्यूब्स के वीडियोस. मेरा लास्ट वीडियो है ये देखो मेरा लास्ट वीडियो है देखो 22 2019 पब्लिश किया था और अब मेरे को 1 ईयर हो गया है टोटल वीडियो डाले अपलोड किए, मैंने एक भी वीडियो नहीं डाला है. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई वीडियो नाउ ऑनवर्ड्स. मतलब आज छोटा सा एक इंट्रो वीडियो डाल दिया हूँ. अब इसके बाद से लॉकडाउन जब भी ख़त्म होगा या 15 या 8 जब भी होगा उसके बाद से आपको मेरा वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा. ये बोल रहा था कि लॉकडाउन जब भी ख़त्म होगा, 8:15 अभी अनलॉक 1 चल रहा है, फेज 1 चल रहा है अनलॉक का, जब भी ख़त्म होगा जुलाई जून अभी मैं एक इंट्रो वीडियो डाल देता हूँ, फिर उसके बाद से मैं अपने वीडियो कंटिन्यू करूँगा. मेरे पास सारे सामान रखे हैं, मेरा कैमरा, मेरा ट्राइपॉड, मेरा स्टैंड, मेरा गोप्रो, मेरे पास सब कुछ रखा है. बट एक साल से वो भी ऐसे का ऐसे रखा है, उसका एक सिंगल मैंने उसका चैन नहीं टच किया है यूज़ करने के लिए. बट नाउ ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू यूज़ माई ऑल द इक्विपमेंट्स टू शूट माई व्लॉग्स. प्लीज़ कीप सपोर्टिंग गाइस, आप लोग के भरोसे चालू कर रहा हूँ, बहुत लोग बोले हैं. सो आई एम बैकिंग विद अ न्यू वीडियो. लॉकडाउन के बाद ज़रूर आपको कोई ना कोई तो बहुत अच्छा वीडियो मिलेगा या फिर आउटस्टेशन का वीडियो मिलेगा, हो सके तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आउटस्टेशन के वीडियो मिलने के और बहुत ही कम चांसेस है मतलब इधर लोकल के वीडियो मिलेंगे. मैं आउटस्टेशन जाने वाला हूँ सो मैं ज़रूर उधर का ब्लॉग शूट करूँगा और अच्छे से शूट करूँगा. एंड आई विल शो ऑल द थिंग्स इन अ बेटर वे, इन अ बेटर व्यू. मैं आपको सब कुछ एकदम अच्छे से बताऊँगा. सो वॉच माई वीडियो आफ्टर लॉकडाउन, कीप सपोर्टिंग. सो वॉच माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग. चैनल पे नए रहोगे, ब्लॉग देखते रहोगे इंट्रो, तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट और कहाँ का ब्लॉग चाहिए आपको लॉकडाउन के बाद वो बता देना. अगर कमेंट में पॉसिबल रहेगा तो कमेंट ड्रॉप कर देना, आई विल बी रिप्लाई टू ऑल माय कमेंट्स. मैं भी धीरे धीरे सारे कमेंट्स को मेरे रिप्लाई करता हूँ. जब मैं पीसी पे बैठता हूँ तो मैं सारे कमेंट्स को रिप्लाई करता हूँ. एंड आउटस्टेशन का ही ब्लॉग डालेंगे. अगर आप लोग आउटस्टेशन कहाँ का चाहिए प्लीज़ कमेंट बिलो. एंड आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करते हैं तो गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम देखने के लिए कि कहाँ जाने वाला हूँ, न्यू अपडेट, कौन सा आउट स्टेशन कहाँ, आप लोग जो बोलोगे वहाँ का आप ब्लॉग ट्राई करेंगे. सो गो सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक, ड्रॉप अ कमेंट आप लोगों को कहाँ का ब्लॉग चाहिए. एंड
कीप वॉचिंग कीप प्ले बाय।